हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 हाईएस्ट माइलेज गिविंग कार्स के बारे में। रियल लाइफ माइलेज जो है हमें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। साथ ही साथ में उन कार्स के जो और भी फीचर जो है वो भी बताने वाला हूँ, प्राइस भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है। तो सबसे पहले जो है हमें देखने को मिलती है मारुति सुजुकी की डिजायर। ये जो वेरियंट हमें देखने को मिलेगा VXi ऑटोमेटिक में हमें देखने को मिलेगा। 5 सीटर जो है कार हमें देखने को मिलेगी। इसका एक शोरूम प्राइस दोस्तों देखने को मिलता है 7,50,000 का, और ये जो है पेट्रोल में हमें देखने को मिलेगी 1.2 लीटर इंजन के साथ में। तो इसका जो है माइलेज हमें देखने को मिलता है 22 KMPL का, मतलब कि 1 लीटर में 22 किलोमीटर जो है चलते हुए गाड़ी दिखाई दे सकती है। दोस्तों हम CNG की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो है मॉडल हम अगर बात करेंगे तो टाटा की टियागो हमें देखने को मिलती है। हैचबैक में हमें देखने को मिलेगी दोस्तों 5 सीटर कार है, 1.2 लीटर का जो है हमें इसका इंजन देखने को मिलता है पेट्रोल में। बहुत सारे फीचर के साथ में ये कार हमें देखने को मिलती है। 23 KMPL का जो है हमें इससे एवरेज जो है देखने को मिलेगा, माइलेज बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिलेगा। और 6,40,000 में जो है आपको ये कार देखने को मिल जाएगी, और 4 स्टार जो है सेफ्टी रेटिंग भी जो है हमें इसके देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल कार का डिज़ाइन की भी बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया कार का डिज़ाइन भी हमें देखने को मिलता है। थर्ड नंबर कार की बात करेंगे तो टाटा की अल्ट्रोज हमें यहां पे देखने को मिलेगी डीजल वेरिएंट में। 1.5 लीटर का जो है डीजल इंजन हमें इसमें देखने को मिलेगा, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हमें इसमें देखने को मिलेगी। और माइलेज की जो बात करेंगे तो 23 KMPL का हमें इसके अंदर टाटा अल्ट्रोज में माइलेज रियल लाइफ में देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर जो है कार होने वाली है मारुति की इर्टिगा। VXi मॉडल जो है वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा 9.86 लाख में, एक शोरूम बोल रहा हूं दोस्तों, और 1.5 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन हमें देखने को मिलता है। इसका जो है माइलेज हमें 20 KMPL देखने को मिलता है। 7 सीटर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा माइलेज जो है हमें इस कार का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप गाड़ी की लुक्स की भी बात करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन हमें जो है गाड़ी का यहां पे देखने को मिलता है। सबसे लास्ट और सबसे बढ़िया जो है माइलेज हमें इसका देखने को मिलता है मारुति सेलेरियो का। मारुति सेलेरियो में ZXi ऑटोमेटिक वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी की डिजाइन थोड़ी सी छोटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों इसका माइलेज बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 26 KMPL का, 26 किलोमीटर पर लीटर का जो है हमें इसका माइलेज देखने को मिलता है। तो ये वाली जो गाड़ियां है इंडियन मिडिल क्लास के हिसाब से जो है बहुत ही परफेक्ट गाड़ियां हैं। अगर आप 7 सीटर में जा रहे हो तो आपको इर्टिगा से अच्छा ऑप्शन कम प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप छोटी फैमिली कार लेना चाहते हैं और ऑफिस के लिए डेली यूज के लिए भी अगर आप सोच रहे हो तो मारुति की सेलेरियो का जो है माइलेज बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिलता है। अगर आपको कुछ थोड़ा सा लुक्स और डिज़ाइंस में भी जाना है तो आप जो है टाटा की अल्ट्रोज के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि उसका भी माइलेज ऑलमोस्ट 23 KMPL का हमें देखने को मिलता है, और 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी हमें उसमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आई होप सो यहाँ तक आपको वीडियो सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जरूर लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करिए ताकि ऐसे आने वाली वीडियोस के अपडेट जो है आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।